इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद उड़ीसा की नई कार्यकारिणी ने शनिवार को जिम्मेदारी संभाल ली। पदस्थापना समारोह के तहत अध्यक्ष मोनिका जायसवाल ने इनकमिंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अमृता अग्रहरी को कॉलर पहनाकर अध्यक्ष पद का पदभार सौंपा। व्हील के नॉर्म्स, फ्रेंडशिप और सर्विस में आगे काम करना चाहूँगी। मैं सोशल प्रोजेक्ट्स करना चाहूँगी, एडल्ट लिटरेसी पे काम करना चाहूँगी और मैं डॉक्टर हूँ तो मैं चाहूँगी कि अपनी मेडिकल सेवाएं देकर लोगों की सेवा करूँ, लोगों को जागरूक करूँ, अंडर प्रिविलेज महिलाओं, बच्चों सबका कल्याण करूँ। सबको जाके हम लोग मेडिकल एड प्रोवाइड कराएंगे, अनीमिया के बारे में जागृत करेंगे, माल न्यूट्रिशन और ये सब चीज़ों के बारे में। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव थी। कार्यक्रम में अनेकों क्लबों की अध्यक्ष और सचिव भी शामिल रहीं। इस मौके पर नवनिर्वाचित सेक्रेटरी शैली जैन ने होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी, जिसके तहत 3 गरीब बच्चों की सालाना फीस दी गई और जरूरतमंद व्यक्ति को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। अग्रहरी जी हमारी प्रेसिडेंट हुई हैं, उन्होंने अध्यक्ष का पदभार संभाला है और अपनी पूरी टीम की घोषणा की है और हमारी चीफ गेस्ट आज की जो है वो डॉक्टर रेखा श्रीवास्तव जी रही हैं उनके, और हमने यहाँ चैरिटी प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसके अंदर हमने 3 बच्चों की स्कूल की फीस दी है और एक जो है ज़रूरतमंद को आर्टिफिशियल लेग दिया है, और हमने यहाँ पे इनर व्हील ब्रांडिंग भी की है और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने लोगों से ये कहा है कि भाई प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करें, उसके लिए हम लोगों ने क्लोथ्स बैग्स इनर व्हील ब्रांडिंग के साथ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं आए हुए सभी लोग। शाम में हमारे क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ अलाहाबाद उड़ीसा का इंस्टॉलेशन हुआ है, जहाँ नई टीम का इंडक्शन हुआ है जिसमें डॉक्टर अमृता अग्रहरी प्रेसिडेंट बनी है और उनकी टीम उनके साथ यहाँ इंडक्ट हुई है। हमारे क्लब ने आज एक ज़रूरती व्यक्ति को जिनके पैर डायबिटीज़ की वजह से गल गया था, मीन्स वो उसको काटना पड़ा था, अभी उसमें एक प्रोस्थेसिस दिया है, एक आर्टिफिशियल पैर दिया है उन्हें, लगाया गया है उनको आज, और हमने 2 बच्चों की पूरे साल की फ़ीस दी है, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और एक बहुत छोटी सी बच्ची है जिसकी हमने 3 महीने की फ़ीस दी है, वातावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सेफ इन्वायरमेंट के तहत हमने नो प्लास्टिक बैग, इसके तहत हमने कपड़े के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ आए हुए सभी मेंबर्स को और हमने अपने आए हुए सारे गेस्ट को प्लांट्स दिए हैं एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट, टोकन ऑफ लव, जो गिफ्ट के तौर पे हमने प्लांट्स दिए हैं वो भी सेव एनवायरनमेंट के तहत।